मतलब तो जिसकी मस्ती जिंदा है समझो उसकी हस्ती जिंदा है, नहीं तो वो आदमी जबरदस्ती जिंदा है। हंसने हंसाने की दुनिया में जब भी कोई बहुत बड़ा लॉस होता है तो वहीं पर बॉलीवुड हॉलीवुड की बात की जाए या पूरी दुनिया की बात की जाए तो वो खास से परेशान नजर आते हैं। आपको बताते चले राजू श्रीवास्तव के बारे में, जो कि 10 अगस्त को सिर्फ और सिर्फ जिम करते हुए वर्कआउट करने के लिए जिम में गए और वहां पर वर्कआउट करते करते उनके चेस्ट में पेन हुई और यहां पर क्रिटिकल सिचुएशन होने की वजह से उनकी बहुत ज्यादा चेस्ट में पेन बहुत ज्यादा बढ़ती गई। उनको फौरन तौर पर हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन उसके बाद इनकी काफी ज्यादा हेल्थ नीचे जाने लगी और वहीं पर इनके फैमिली फैंस को जितने भी लोग थे उनको अपडेट देने लगे लेकिन एकदम से इनकी हेल्थ में ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट आने लगी और ये कहा गया कि राजू श्रीवास्तव अब काफी ज्यादा बेहतर हो चुके हैं और बहुत जल्द ठीक भी हो जाएंगे, जिसकी वजह से लोगों का ध्यान राजू की तरफ से हट गया। लेकिन अचानक आज ऐसा क्या हुआ कि राजू श्रीवास्तव की डेथ की न्यूज फैंस के सामने, क्योंकि उनको वेंटिलेटर पर रखा गया था लेकिन हेल्थ में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट होने की वजह से उनको वेंटिलेटर से भी हटा दिया गया था, लेकिन फाइनली तौर पर राजू की आज डेथ सिर्फ और सिर्फ उनके हार्ट अटैक की वजह से हुई थी, क्योंकि उनका फर्स्ट हार्ट अटैक जिम में 10 अगस्त को हुआ लेकिन उसके बाद काफी ज्यादा बेहतर होते गए, लेकिन आज उनका दूसरा हार्ट अटैक हुआ और हार्ट अटैक के बाद वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए, क्योंकि एक इंसान ज्यादा से ज्यादा 3 हार्ट अटैक को बर्दाश्त कर सकता है लेकिन उन्होंने पहला हार्ट अटैक तो काफी ज्यादा बर्दाश्त कर लिया लेकिन उनको वो दूसरा हार्ट अटैक बर्दाश्त ना कर पाए। लेकिन खैर यहीं पर उनकी फैमिली उनके फ्रेंड से इतनी ज्यादा उनकी कंडोलेंस की जा रही है, बहुत बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का भी ये नुकसान है, कहना है कि बहुत बड़ा नुकसान है कि राजू एक हंसने हंसाने वाला बंदा इस दुनिया से चला गया है।